गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक रेसिपी विद प्रीति। आज हम बनाने जा रहे हैं बीन्स की ऐसी सब्जी जो पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं प्रोटीन से भरपूर बीन्स की सब्जी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं डालती हूँ 2 चम्मच ऑयल और इसमें 1 चम्मच जीरा। अब इसी के साथ मैं डाल देती हूँ इसमें हींग। हींग हम इसमें जरूर डालेंगे क्योंकि हम इसमें चने की दाल यूज करेंगे। चने की दाल क्या है, वो गैस बनाती है, तो हींग इसमें ज़्यादा सी डालें, उससे क्या है पेट का हाजमा भी सही रहेगा। अब मैं इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्च और अदरक और लहसुन का, इस तरह से ही मैंने दरदरा सा पेस्ट बना लिया है, ये डाल देती हूँ इसके अंदर और इसको हम इस तरह से भून लेते हैं थोड़ा। और साथ में मैं डाल रही हूँ 1 प्याज, मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। इसमें हम क्या है आलू का यूज नहीं करेंगे। नॉर्मली हम बीन्स आलू की सब्जी बनाते हैं, पर आज हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे और आलू नहीं डालेंगे इसमें। अब हम इस प्याज को गोल्डन कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारी जो प्याज है वो इस तरह से हो गई, गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इस समय हम डाल देते हैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, टेस्ट के हिसाब से नमक। अब इसको इस तरह से भून लेते हैं और साथ में मैं डाल देती हूँ इसमें, मैंने ये चने की दाल है इसको मैंने सोक कर लिया था 2 घंटे के लिए। ये देखिए इस तरह से ये अच्छे से सोक हो गई है। अब इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। आप इस तरह से एक बार बना के देखना, आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हमेशा हम बीन्स की सब्जी जब भी बनाते हैं आलू के साथ बनाते हैं, इस तरह से कोई नहीं बनाता। आप एक बार इस तरह से खाएंगे तो आप आलू डालना भूल जाएंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे वीडियो को ये देखिए हमारी जो दाल है ये इस तरह से अच्छे से भुन गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी। ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है क्योंकि हमें ये दाल जो है ज़्यादा नहीं गलानी है, बस हल्की सी ये जैसे ये दाल है ये टूटने लगे थोड़ा सा, इस तरह से रखनी है। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं 1/2 कप पानी डालेंगे बस, इतना। अब हम इसे 5 मिनट पका लेते हैं। अब हमारी सब्जी को दाल को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी दाल थोड़ा गल भी गई है और ज़्यादा गली भी नहीं है, ये देखिए खिली खिली है बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए अच्छे से। इससे ज़्यादा हमें दाल नहीं गलानी है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, ये मेरी 250 ग्राम बीन्स है और मैंने इस तरह से इनको लंबे उसमें काट दिया है, लंबे टुकड़ों में। अब हम इसमें डाल देते हैं ये बीन्स और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये क्या है, बहुत टेस्टी सब्जी बनेगी। जो बच्चे हैं वो नहीं खाना चाहते ना कभी कभी हरी सब्जियों से, और इस तरह की हम नए तरीके से बनाएंगे तो उनको भी अच्छी लगेगी। और कभी कभी हमारे यहाँ गेस्ट आ जाते हैं तो हम बीन्स और आलू की सब्जी खा के ना बोर हो जाते हैं और देखने में भी लगता है कि कुछ अलग सा बनाएं, तो हम इस तरह से ये रेसिपी बनाएं और सबको खिलाएं तो सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे कि नई डिश है। और इसी समय मैं डाल देती हूँ इसमें 1 टमाटर ऐसे टुकड़ों में। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप इसमें 1/2 चम्मच अमचूर डाल सकते हैं, नहीं तो 1/2 चम्मच के करीब नींबू का रस भी डाल सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा। दूसरा इसमें क्या है, टमाटर ना पहले मसाले में नहीं भूनते हैं, उसमें देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और वो ज़्यादा गल भी जाएंगे। अब हमें इस सब्जी को ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 मिनट पकाना है जिससे हमारी बीन्स ज़्यादा गले भी नहीं और पक भी जाए, मतलब हल्का पकाना है हमें इनको जिससे इसका
क्रंची बन रहा है। अब हम इसको ढक के 2 मिनट पका लेते हैं। अब हमारी सब्जी को पकते हुए 2 मिनट हो गए, हम देखते हैं सब्जी हमारी तैयार हो गई क्या। ये देखिए कितनी खिली खिली हमारी सब्जी, ये तैयार है बिल्कुल। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, ऐसे मोटा मोटा काट के डालना है इसमें, ज़्यादा बारीक धनिया की ज़रूरत नहीं है। और आधा चम्मच गरम मसाला, और हमारी सब्जी बनके तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छे से प्रोटीन से भरपूर इस तरह से बनाएं। आपके यहाँ कोई गेस्ट आए या आपका कभी मन हो कुछ अलग खाने का तो इस तरह से आप बनाइए, और पराठे पूड़ी या रोटी से खाइए। कितनी देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है, और बनी भी बहुत टेस्टी है। ये देखिए पूरी खिली खिली, दाल भी ज़्यादा नहीं गली है। ये देखिए इस तरह से रखनी है हमें, ज़्यादा गला दाल देखिए हमारी, ऐसे इस तरह से हम उंगली से करें तो ये देखिए टूट जाए। तो अब हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमारी प्रोटीन से भरपूर बीन्स और चना दाल की सब्जी बनके तैयार है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।